हेलो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई, आज हम बात करने वाले हैं दो बाइक्स के बारे में, पल्सर F250 और पल्सर N250। दोनों बाइकों के बारे में कुछ मैं डिटेल्स बताऊंगा आप लोगों को। तो भाई, पल्सर F250 में आपको सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व का ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है, जो कि इसकी मैक्स पावर निकाल के देता है आपको 8750 RPM पे 24.5 PS की पावर निकाल के देता है। और टॉर्क की बात करूँ मैं आपको, तो 6500 RPM पे 21.5 Nm का टॉर्क निकाल के दे देता है। और अगर हम इसके सस्पेंशन की बात करें, 37 mm का टेलीस्कोपिक और फ्रंट का। और अगर रियर की बात करें तो मोनोशॉक विद न्यूट्रोक्स आपको इसमें सस्पेंशन मिलने वाला है। टायर साइज में आपको 180/17 का ट्यूबलेस टायर मिलने वाला है, रियर वाला 130/70/17 का ट्यूबलेस टायर मिलने वाला है। पिछली पल्सर की तरह इसमें आपको 5-speed गेयरबॉक्स मिलने वाला है। और अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ, 165 का इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला है। 14 लीटर यानी 14 लीटर का फ्यूल टैंक मिलने वाला है। कंसोल की बात करूँ अगर मैं आपको, तो भाई गियर इंडिकेटर, क्लॉक, फ्यूल एफिशिएंसी, रेंज इंडिकेटर, सारी चीज़ें इस तरीके की मिलने वाली हैं इसके अंदर। और भाई, इसके एक्सशोरूम की प्राइस की बात करूँ तो मैं आपको, ये 1,41,370 रुपये में इसकी एक्सशोरूम की प्राइस रखी गई है। इसका कर्ब वेट 164 kg होने वाला है। सीट हाइट की बात करूँ मैं राइडर की, तो भाई इसमें आपको 795 mm की सीट हाइट मिलने वाली है। तो बातें तो भाई हो गई F250 के बारे में, ठीक है भाई। मतलब बिल्कुल चेंज कर दिए पूरी की पूरी। पल्सर जैसे पहले आती थी ना, अब देख लो भाई, पूरा का पूरा सेटअप चेंज कर दिया। कुछ चीज़ें हैं पहले वाली, तो भाई कुछ हैं सिमिलर चीज़ें, मगर अब जो चेंज कर दिया, अब वो थोड़ी सी बात कर लेते हैं पल्सर N250 के बारे में। तो भाई, बजाज पल्सर N250 इज़ ए स्ट्रीट बाइक एंड द बजाज पल्सर N250 इज पावर्ड बाई 249 cc BS6 इंजन विद WFC पावर ऑफ 24.1 BHP एंड टॉर्क ऑफ 21.5 Nm का टॉर्क। भाई इस बाइक में आपको 21.5 Nm का टॉर्क निकाल के देगी ये बाइक आपको। ड्यूल डिस्क ब्रेक मिलने वाले हैं। फ्रंट लुक्स की बात करूँ अगर मैं इसके, तो भाई LED प्रोजेक्टर, DRLs, हैंडल बार के पास आपको चार्जिंग पोर्ट मिलने वाला है, 5-speed गेयरबॉक्स मिलने वाले हैं, 17-inch अलॉय व्हील्स मिलने वाले हैं इस बाइक के अंदर आपको। और भाई अगर हम इस बाइक के वाई वेट की बात करें, कर्व वेट की, तो भाई 162 kg की होने वाली है। मतलब पल्सर F250 आपको 164 किलो और ये वाली N250 आपको 162 kg में मिलने वाली। फ्यूल टैंक कैपेसिटी दोनों बाइक्स में सेम होने वाली है। तो भाई हमारे चैनल पर अगर आपने सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर अच्छी लगी आपके भाई की, तो भाई लाइक जरूर करना वीडियो।